आज फिर से स्वागत है आप सभी को आपके चैनल एबीपीएन एजुकेशन में। और आज हम लोग देखेंगे एलजेब्रा में बहुपद का गुणनखंड, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बीजीय व्यंजक का हम लोग यहाँ फैक्टर कैसे करेंगे, इसके बारे में जो है आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जो भी विविध प्रश्नावली हम लोग देखे थे वो था पहले जो थ्योरी सीखे थे उसका, लेकिन आज से हम कुछ नया जो है कुछ थ्योरी सीखेंगे, नए कॉन्सेप्ट जानेंगे। और तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। और यह वीडियो जो है पार्ट 9 है, और आप जो है हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस सभी वीडियो को देखें, उसके बाद ही यह वीडियो देखने की कोशिश करें। चलिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे बहुपद का गुणनखंड, यानी कि गुणनखंड है क्या इसके बारे में समझेंगे। तो गुणनखंड किसको कहते हैं, तो हम बोलेंगे किसी व्यंजक दो किसी व्यंजक को किसी व्यंजक को दो या दो से अधिक व्यंजकों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो बाद वाला बीजीय व्यंजक पहले वाले वाले बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कहलाता है। यहाँ पे जो है परिभाषा बस केवल आप लोग को ध्यान में रखना है खाली खाली क्या कि किसी व्यंजक को दो या दो से अधिक व्यंजकों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो बाद वाला जो बीजीय व्यंजक होता है वह पहले वाले बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप समझिए, अगर हम ले लिए एग्जाम्पल में, जैसे में क्या भाई, तो हम यहाँ पे लेते हैं 14, तो इस 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, गुणा गुणा के रूप में लिख देना ही गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड मतलब गुणा गुणा के रूप में खंड कर दो किसी को, उसी को गुणनखंड कहेंगे। तो इस 14 को हम कैसे जो है गुणा गुणा के रूप में खंड करेंगे, तो आप कह सकते हैं 2 × 7, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो कहता है कि किसी व्यंजक या संख्या को दो या दो से अधिक व्यंजकों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो बाद वाला जो बीजीय व्यंजक होता है वो पहले वाले बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कहलाता है। तो ये भी जो प्राप्त होता है या एक संख्या या बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है, तो ये बाद वाला है और ये पहले वाला है। तो ये जो बाद वाला जो बीजीय व्यंजक होता है वह पहले वाले बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कहलाता है, अर्थात कह सकते हैं अतः 14 का गुणनखंड 2 एवं 7 है। 2 mm कितना है, 7 है ना। अब एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं ए बी प्लस ए सी, तो यहाँ पे ए दोनों में है तो ये को हम कॉमन ले ले तो बी प्लस सी हो जाएगा, गुणा के रूप में हम लिख दिए ए गुना बी प्लस सी। अतः ए बी प्लस ए सी का गुणनखंड क्या होगा, एगो ए होगा व्यंजक एवं एगो बी प्लस सी होगा, ये दोनों क्या होगा ए बी प्लस ए सी का गुणनखंड कहलाएगा। अगर बात करें 2x × x + y, या तो हम लिख दे रहे हैं 2x² + xy,
तो इसमें देखिए तो 2x 2x, यहाँ पर 2xy भी लिख देते हैं, तो 2x 2x दोनों में शामिल है, इसको कॉमन कर देते हैं तो यहाँ x प्लस वाई बच जाएगा। इसका मतलब ये जो बीजीय व्यंजक है इसको गुना गुना के रूप में ऐसे हम खंड कर दिए हैं तो ये वाला जो व्यंजक कहलाएगा ये वाला का गुणनखंड कहलाएगा। अतः 2x² + 2xy का गुणनखंड क्या होगा भाई, 2 होगा, x होगा, x प्लस वाई होगा, इतना गुणनखंड है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही सिंपल है तो आप बहुत जल्दी जो है कर दे रहे हैं, लेकिन अगर कुछ इसी प्रकार से जटिल रहा तो उसको जो है क्या उसको निकालने की कोई विधि है, तो जरूर उसको निकालने की कई विधियां हैं। अर्थात यहाँ पे हम देखें कि बहुपद का जो गुणनखंड है वो निकालने की विधि के बारे में अभी चर्चा करते हैं, और वह विधि कौन कौन सा है ये जानते हैं, ठीक है। जैसे गुणनखंड की विधि, गुणनखंड करने की विधि, गुणनखंड करने की विधि, मेथाधी क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजिंग यानी कि गुणनखंड करने की विधि। अब ये जो विधि है, पहला नंबर तो जो विधि है उसका नाम है सार्वगुणनखंड विधि, ठीक है। यानी कि कॉमन फैक्टर मेथड जो है ये है, इसको कह सकते हैं कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड भी। दूसरा जो विधि है उसका नाम है पदों के पुनर्निर्माण, पुनर्विन्यास, या तो हम कह सकते हैं कि विधि, ठीक है। पुनर्विन्यास का मतलब क्या हुआ, उसको बहुत अच्छा से सजा कर और उसके पद को और निकालना। तीसरा जो है वह है मानक सर्वसमिका द्वारा गुणनखंड की विधि। और जो चौथा नंबर है उसका नाम है मध्य पद को तोड़कर, द्विघात बहुपद की गुणनखंड की विधि। यहाँ पे हम लोग जो है चार विधि मुख्य रूप से देखेंगे, और जिनमें जो है चौथा नंबर है और तीसरा नंबर बहुत ही अपने आप में अच्छा मेथड है, क्योंकि जटिल भी हम इन्हीं दोनों से जो है ज़्यादातर करेंगे, ऐसे सभी जो है अपने आप के लिए सही ही हैं। सार्वगुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है, मतलब वैसा अगर दो या दो से अधिक पद जो है, अगर व्यंजक कोई है विजय व्यंजक और सभी टर्म में कुछ अगर शामिल है, कॉमन है, उस कॉमन को बाहर निकालते हैं और उसी कॉमन राशि या व्यंजक से प्रत्येक टर्म में भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है वह गुणनखंड कहलाता है। तो जो इस प्रक्रिया द्वारा हम ऐसे जो गुणनखंड कर रहे हैं उसका नाम है सार्वगुणनखंड विधि। लेकिन पदों के विनिर्माण की विधि क्या है, मतलब कोई भी अगर पद रहेगा उसको एकदम सिंपल टुकड़े में काट देंगे, मतलब उसको फिर से निर्माण करेंगे और फिर उसका विन्यास करेंगे, उसको सजाएंगे, उसमें जो कॉमन होगा उस कॉमन को निकाल कर और जो गुना गुना के रूप में हम जिस तरह से हम लिखेंगे गुना गुना के रूप में खंड करेंगे वह कहलाता है पदों के पुनर्विन्यास की विधि कहलाता है। लेकिन ये मानक सर्वसमिका द्वारा गुणनखंड की विधि क्या है,
मानक सर्व समीकरण आप लोगों को बताया गया है, फॉर्मूला यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारे के सारे जो फार्मूला है उस फार्मूला को लगाकर किसी बहुपद को, किसी बीजीय व्यंजक का जब हम गुणनखंड करते हैं तो वह कहलाता है मानक सर्व समीका गुणनखंड की विधि। लेकिन जब आप देखे होंगे द्विघात बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, दो हो, तो वैसे बहुपद को मध्य पद को तोड़कर द्विघात बहुपद की गुणनखंड की विधि कहते हैं। यानी कि जो बीच वाला टर्म होते हैं उसको हम दो ऐसे टुकड़ा में तोड़ते हैं कि जोड़ने पर बीच वाला ही टर्म प्राप्त हो जाए, लेकिन गुणा करें तो अचर पद यानी किनारे वाला जो है वह प्राप्त हो जाए। चलिए इन सभी को जो है हम बारी बारी से देखते हैं आखिर यह क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे भाई, सार्व गुणनखंड की विधि, यानी कि सबसे पहला नंबर। जैसे यहाँ पे आप समझिए, अगर यहाँ हम ले लिए कुछ क्वेश्चन जैसे के रूप में, जैसे ए बी, जैसे अभी इसके पहले जो देखे थे ए बी प्लस बी सी, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। अब इसमें देखेंगे कि दोनों में कॉमन आखिर क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो इस बी को हम बाहर निकालते हैं और बाकी बचल वाला को कोष्ट के अंदर लिखते हैं। बी को हम जो भी अगर दोनों में शामिल हो उसको हम कोष्ट के बाहर लिखते हैं, और फिर ए बी और बी सी दो टर्म है उस टर्म में क्या करते हैं, इस बी से भाग देते हैं। इसका जो एकदम प्रारंभिक जो शुरुआत है इस प्रकार से हम बता रहे हैं ताकि आप लोग बिल्कुल समझ जाएं। ए बी प्लस बी सी जो है इसमें जो कॉमन रहेगा उसको बाहर लिखेंगे और अंदर वाला में हम वही कॉमन वाला से भाग देंगे, तो बी से बी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, क्या बचा भाई बी, और इसमें ए बचा, इसमें सी बचा। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और ये गुना के रूप में लिखा गया, अतः हम कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी का गुणनखंड कौन होगा, बी होगा तथा ए प्लस सी होगा, ये दोनों गुणनखंड कहलाया। तो ये कहलाता है सारे गुणनखंड की विधि। एक और एग्जाम्पल यदि हम देखें तो वह इस प्रकार से है कि हम यहाँ पे दे दिए टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड, ऐसा दे दिए। यहाँ पे एक बीजीय व्यंजक है जिनमें दो टर्म है, एक टर्म ए एक टर्म ए, तो इसमें क्या ऐसा चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, तो आप कहेंगे सर टू एक्स यहाँ भी है, मतलब टू वाई यहाँ भी है और टू वाई यहाँ भी है, टू वाई दोनों में है तो हम कहेंगे जब टू वाई दोनों में है ही उसको बाहर करो, 2y को बाहर कर दिए। अभी अंदर जो बचा 2xy प्लस 2yz, तो अभी क्या नियम बताएं कि जो भी यहाँ बाहर निकालेंगे उससे इसके प्रत्येक टर्म में भाग देंगे, मतलब 2y को बाहर निकाले तो 2y से इसको में भी भाग देंगे और 2y से इसको में भी भाग देंगे। ऐसा करने से 2y 2y कट गया, यहाँ से भी 2y 2y कट गया, बचा क्या, तो यहाँ पे देखिए 2y है तो 2y, इसमें बच गया है x, इसमें बच गया है z, इसका मतलब ये गुणा के रूप में लिखा गया 2 गुना y गुना x प्लस z, इसको हम इस रूप में लिख दिए, अतः हम कह सकते हैं 2xy प्लस 2yz का गुणनखंड क्या कहलाएगा, 2 भी होगा क्योंकि 2 गुना वाई हम लिख सकते हैं, 2 फिर वाई और एक्स प्लस जेड, ये जो है इसका गुणनखंड है। तो इसको जो है हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2y से भाग ना देकर हम जो है ये समझेंगे कि जब 2y कॉमन हो गया
तो इसमें जहाँ भी टू आई है उसको अपने से ख़त्म कर दो, यहाँ भी टू आई है अपने से ख़त्म कर दो, और डायरेक्ट ई वाला अगर व्यंजक को लिख देते हैं तो भी जो है सही है, ठीक है। लेकिन आप शुरुआत बार में ऐसा जो है कर करके इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आप लोग उसका मुख्य जो उसका मेन जड़ है वो आप लोग समझ सकें। चलिए एक और इस पे क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप बिल्कुल जो है एकदम क्लियर कर लें। जैसे हम ले लिए 44 AB और प्लस 33 B² यहाँ पे आपसे हम पूछें, अच्छा बताइए इसमें कि ऐसा कौन सा इसमें चीज़ है जो दोनों में है, दोनों में मिल रहा है। तो आप कहेंगे सर बी तो यहूँ में है और बी इसमें भी है। हम कहेंगे और कुछ है तो बताओ। आप कहेंगे कि 44 को जब हम ऐसा तोड़ेंगे 4 × 11 और 33 को हम ऐसा तोड़ेंगे 3 × 11 तो 11 तो दोनों में हो जा रहा है सर। बोले बहुत अच्छा, तो क्या करो जब दोनों में ही कॉमन है, दोनों में शामिल है, उसको जो है आप बाहर कर लो। 11 है तो 11 कर लेंगे, बी है तो बी कर लेंगे। अब आप मने मने सोचो इसमें से 11 और बी जब इतना दूर निकल गया है, ई वाला भाग निकल गया, तो बचा क्या? तो इसमें 44 में से तो 11 बाहर चल गया है, 4 बचा और ए बचा, यानी 4A बचा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कितना लिखेंगे, 4A लिखेंगे। इसमें हम कहें कि अगर बताओ बाबू 11 बी जो है अगर बाहर चल गया, इसमें बचा कौन? तो 33 में से तो 11 चल गया है, इसमें 3 बचा, और ये बी स्क्वायर में से एगो बी तो बाहर चल गया है, इसका मतलब एगो बी बचा, और इसमें कितना बच गया, 3B बच गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 3B। तो अब यहाँ पे देखिए तो यह गुना के रूप में लिखा गया, अब ये और भी गुना के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते हैं, तो लास्ट में कहेंगे अतः 44 AB प्लस 33 B² का गुणनखंड कौन कौन होगा, गुना गुना के रूप में खंड कौन कौन होगा, 11 होगा, बी होगा, 4A प्लस 3B होगा, और यही 3 गो जो है इस व्यंजक का क्या कहलाया, गुणनखंड कहलाया। तो आप लोग अब समझ गए होंगे। अब दूसरा हम विधि देखते हैं कि आखिर दूसरा मेथड क्या है, और दूसरा का नाम क्या है, पदों का पुनर्विन्यास विधि। दूसरा नंबर पदों का पुनर्विन्यास की विधि। जैसे यहाँ पे इसको समझते हैं, मतलब कि पद को एकदम शुरू से लिखना है, उसको फिर सजा के लिखना है, फिर उसके बाद जो है गुणनखंड करना है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले 4AB − 6B + 9 − 6A, ऐसा कुछ व्यंजक ले लिए। अब इसमें जो है इसका गुणनखंड करना है, तो ये जो पहला हम लोग विधि सीखे हैं सार गुणनखंड, वैसे अगर करके देखेंगे तो शायद यह नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी इसमें नहीं है जो सभी में कॉमन हो, एक के अतिरिक्त, एक के अलावा कोई भी नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, सजा सजा के लिखेंगे, और सजाएंगे किस प्रकार से, तो हम देखेंगे कि इसमें बी है और इसमें बी है, अगर ये दोनों को साथ में लिखें और ई दोनों को साथ में लिख दें तो शायद कुछ कुछ कॉमन हो जाएगा, कुछ कुछ शामिल उसमें मिलेगा। तो हम वैसा करके देखते हैं एक बार। तो इसमें देखिए तो 4AB और 6B है, 9 − 6A है, तो यहाँ पे 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 और 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि सर तो अब तो इसमें दोनों में 2 शामिल हो गया। हम कहेंगे हाँ इसी के लिए तो हम ऐसा किए हैं। अब कहेंगे कि बी सर एहू में है और बी एहू में है, तो इसमें कहेंगे बी भी कॉमन हो जाएगा। जब इसमें से 2 और एक बी अगर कॉमन हो जाएगा तो इसमें बचेगा क्या, 2A बचेगा, है ना, 2A बचेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, वैसा हम कर देते हैं 4AB − 6B, और इसको दोनों को साथ में कर दे रहे हैं, इसको दोनों को साथ में कर दे रहे हैं। अब वैसा करने के लिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसको हम आगे कर दे रहे हैं, और आगे क्यों कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, आगे थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसको हम आगे क्यों कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखें −6A और +9,
माइनस इसमें से जब हम कॉमन कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, और ऐसे जब करेंगे तो ये समझिए -6 था तो ये +6 हो गया, और ये +9 था तो यहाँ पे -9 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो जब इस रूप में हम लिखेंगे तब देखिए, तो इसमें 2a 2b और इसमें भी 2b, दोनों में है शामिल, तो कहेंगे इसमें से 2b कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि 2 4 में से 2 तो एक बाहरी हो गया है, 2 केवल बचा, b बाहरी चल गया है तो a बचा है, माइनस इसमें 2 बाहर चल गया तो 3 बचा है, और यहाँ पे b बाहर चल गया है तो कुछ नहीं बचा, और माइनस है तो माइनस, इसमें से क्या कुछ कॉमन है, तो इसको हम 6 के 2 गुना 3 लिखेंगे, 9 को 3 गुना 3 लिखेंगे। इसका मतलब 3 3 दोनों में कॉमन है, और 3 3 दोनों में कॉमन है तो 3 जो है हम यहाँ से कॉमन करेंगे तो बचेगा इसमें कितना, 2 बचा और इसमें a बचा, माइनस है तो माइनस, इसमें से 3 कॉमन हो गया तो एगो 3 बचा है। हम इसको आगे हम इसलिए कर दिए हैं ताकि ये दोनों के दोनों जो है सेम हो जाए। देखिए अब फिर से जो है ये पूरा जो व्यंजक बना है इसमें से ये दोनों कॉमन है, दोनों में शामिल है, तो इसलिए हम ऐसा किए हैं। अगर ऐसा नहीं करते, यहाँ उल्टा होता, 3 - 2a प्राप्त हो जाता, वहाँ पे 2a - 3 रहता, वैसा फिर कॉमन बाद में करना ही पड़ता, इसलिए हम पहले ही जो है इसको पलट के लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जब ये दोनों में शामिल है तो कहेंगे टोटल में से, ये पूरे व्यंजक में से 2a - 3 अगर कॉमन कर लें तो हम पूछें कि अब क्या बचा, तो कहेंगे ई वाला टर्म में ई वाला तो बाहर चल गया है, बच गया इसमें 2b, माइनस ई पूरा अगर टर्म में देखें तो ई वाला तो पूरा बाहर चल गया है, इसमें बचा क्या, 3 बचा। इसका मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और यही क्या कहलाएगा, इसका गुणनखंड कहलाएगा। अतः 4ab - 6b + 9 - 6a का गुणनखंड क्या होगा, 2a - 3 और 2b - 3, ये जो है आंसर होगा। आप इसको अभी जो है समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आप लोग बिल्कुल इसको समझ जाएं। ठीक है, तो हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल इसी पे आधारित, और वह कुछ ऐसा है जैसे x² + 4x + 3x + यहाँ पे हम ले लेते हैं 12, ऐसा ले लेते हैं। अब इसको कहता है कि गुणनखंड करो, तो यहाँ पे क्या हम दिमाग लगाएंगे कि x x सभी में नहीं है, अगर x x सभी में रहता तो कॉमन कुछ हो सकता था, लेकिन 12 में तो x है ही नहीं, तो हम जो है दिमाग लगाएंगे कि पदों का पुनर्विन्यास की विधि द्वारा हम इसको लगा सकते हैं, मतलब हम कोई के जोड़ा जोड़ा टर्म को हम बनाएंगे और उसमें से फिर कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, x² + 4x को हम साथ में कर ले रहे हैं, और 3x + 12 को साथ में कर ले रहे हैं, इसको इधर उधर करने से कोई मतलब नहीं होगा, यानी कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं हो सकता है। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी का चिन्ह क्या में है, प्लस में है, अगर माइनस कुछ रहता तो वैसा कुछ सोचते, लेकिन सभी का चिन्ह क्या है, प्लस, तो आप 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें कोई दिक्कत ना, वही बात होगा। अब देखिए यहाँ पे बीच में प्लस लिख देते हैं, इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं एकदम। अब ये 2 जो टर्म हो गया इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कॉमन, तो देखिए तो यहाँ से एक्स, यहाँ से भी एक्स, तो कहेंगे एक्स इसमें से कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें 2 x था तो 1 x बच जाएगा, प्लस 4x में से x बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे 4 बचा, प्लस इसमें देखिए तो 12 में 3 * 4 12 को हम लिख सकते हैं, तो 3 3 तो दोनों में मिल गया, कहेंगे भाई 3 3 दोनों में है, 3 कॉमन हो जाओ, इसमें बच गया x, और प्लस 3 तो बाहर चल गया है, इसमें बचा 4। ऐसा करने से यहाँ भी x + 4, यहाँ भी x + 4 आ गया, तो कहेंगे इस टोटल व्यंजक से x + 4 को हम कॉमन कर लेंगे, तो कहेंगे बताओ इस टर्म में क्या बचेगा जब x + 4 बाहर निकल जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें तो x बचेगा, कहेंगे ठीक है बहुत अच्छा। फिर प्लस के बाद अब इस टर्म में देखें, कहेंगे बताओ भाई x + 4 बाहर निकल जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो 3 बचेगा। अब देखिए 2 को गुणा के रूप में हो गया, और जब 2 को गुणा के रूप में हो गया तो यही क्या हो गया, इससे व्यंजक का, इस बीजीय व्यंजक का, यह क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा।
ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। जब हम इस पे आधारित कुछ प्रश्न लेंगे तो उस पे जो है और भी हम चर्चा करेंगे। और अभी जो है हम तीसरा समझते हैं कि आखिर तीसरा मेथड कौन सा है। तीसरा तीसरा है मानक सर्वसमिका। मानक सर्वसमिका द्वारा गुणनखंड की विधि। गुणनखंड की विधि समझिए, मानक सर्वसमिका तो आपको बताया गया है, मतलब फॉर्मूला। और इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला का यूज होगा आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला पिछले क्लास में बताया गया है कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। और इसमें ए माइनस बी के होल स्क्वायर का है तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। एक और फार्मूला जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसा रहेगा ए प्लस बी ए माइनस बी लिखेंगे। मतलब अगर ऐसा रहे कि दो गो कोई अगर संख्या रहे और दोनों के स्क्वायर रहे तो कहेंगे एक बारी जोड़ो एक बारी घटाओ। चाहे तो अगर यही रूप दिया रहे तो हम कहेंगे अगर एगो जोड़ एगो घटाओ तो कहेंगे टोपी पहनाओ रास्ता भी रास्ता दिखाओ, ऐसे जो है हम याद कर ले रहेंगे, है ना, कि एगो जोड़ एगो घटाओ तो टोपी पहनाओ रास्ता दिखाओ। ठीक है, रास्ता दिखाओ मतलब माइनस और टोपी पहनाओ मतलब स्क्वायर। तो ये ज़्यादातर जो है यही तीन फार्मूला का जो है इसमें यूज होगा। अब कैसे, थोड़ा सा उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिए 9a² प्लस, यहाँ पे हम ले ले रहे हैं यहाँ ले रहे हैं 30 ax प्लस 25x², ऐसा कुछ क्वेश्चन ले लिए और कहा कि इसका जो है गुणनखंड करें। तो आप ऐसा सोचें कि यहाँ भी कोई के वर्ग है और यहाँ भी कोई के वर्ग है, तो अगर दोनों साइड में अगर वर्ग आपको भेटाए तो आप क्या करेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये कोई ना कोई फार्मूला से ही बनेगा। क्योंकि फार्मूला में ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस में बी स्क्वायर होता है, तो किनारे किनारे में स्क्वायर होता है, किनारे किनारे में क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी किनारे किनारे स्क्वायर जब है तो हम मने मने सोचेंगे इसका मतलब ये फार्मूला पे अवश्य बनेगा। तो हम इसको कुछ ऐसा करेंगे, उस फार्मूला पे तोड़ने की कोशिश करेंगे। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3a² तो फिर हो जाएगा 9a² और प्लस, इसको अभी आप छोड़ दीजिए, लास्ट वाला के आप ऐसे लिख सकते हैं 5x² अब बीच में फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वैसा लिख के यहां पे देखते हैं, टू ए अगर इसको माने 3a और b अगर इसको माने तो 5x, तो आप गुना करके देखिए क्या 30ax आता है, तो 5 × 15 × 30 और a गुना x तो ax आ गया। कहेंगे वाह ये तो बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे हम देखें ए स्क्वायर का काम कर रहा है ये वाला 2a और b प्लस बी स्क्वायर, मतलब इस रूप पर ही वाला है एकदम बिल्कुल जो है वैसा ही यह लिखा हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो आपसे अगर पूछें तो आप कहेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है। तो इसको भी हम वैसा ही लिख देंगे, ए और ए के जगह यहाँ 3a है तो 3a और फिर बी, तब बी यहाँ पे कितना है 5x है तो प्लस 5x और पूरा के होल स्क्वायर होता है तो पूरा के होल स्क्वायर। और इसको दो तरह से लिख सकते हैं 3a प्लस 5x इंटू 3a प्लस 5x। जैसे कि आप अगर हम कहें कि 2k² तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2, अगर ए स्क्वायर कहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1 × a, तो ये भी स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिए और यही क्या कहलाएगा, इसका गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, तो इसको आप जो है समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा देते हैं, जैसे कुछ ऐसा रहेगा क्वेश्चन, x² - 16, बस ऐसा ही केवल रहे 30 मिनट होंगे, ऐसा ही अगर कुछ रहे x² - 16, आप इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एक फार्मूला देखे होंगे a² - b², मतलब दोनों पर अगर स्क्वायर रहता है तो उसको कहते हैं एक बारी जोड़ दो और एक बारी घटा दो, ऐसा कुछ हम कहते हैं। तो अगर इसको भी हम इस रूप में अगर बना दें
बना के अगर देखें, देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं, करके देखते हैं। तो इसको एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे। आई 16 जो लिखा हुआ है तो हम समझेंगे कि शुरू वाला भी कोई के स्क्वायर होगा, लास्ट वाला भी कोई के स्क्वायर होगा। तो 16 के जब हम देखेंगे कि किसका स्क्वायर किया हुआ है तो यहाँ पे आपको आएगा 4 के स्क्वायर। अब देखिए तो बिल्कुल इस फार्मूला पे एकदम ढल गया। जब ढल गया है तो सबके सीट पर बैठा देना है, ये गाड़ी समझिए कि है। और देखिए तो ये गाड़ी इतना बड़ा है और ये एक्स के जगह यहाँ ए के जगह यहाँ एक्स है, बी के जगह यहाँ 4 है। तो ये कहता है कि देखो हम इसका विस्तारित लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए के जगह भी यहाँ क्या होगा, एक्स होगा। बी के जगह वहाँ 4 है तो यहाँ 4 होगा। फिर यहाँ ए है तो एक्स हो जाएगा, बी है तो 4 हो जाएगा। और जब ऐसा लिखेंगे तो यही क्या हो जाएगा, गुणनखंड। तो बस वैसा ही हम कर दे रहे हैं कि इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस 4 और एक बारी लिखेंगे घटा के एक्स माइनस 4 और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए अब एक और थोड़ा सा हम ले लेते हैं ताकि आप लोग इसको एकदम बिल्कुल समझ जाए। और चौथा जो है एक स्पेशल वीडियो बनाकर आप लोगों को सिखाएंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छे तरह से समझना है मध्य पद को तोड़कर उसको द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं, वो एक स्पेशल वीडियो रहेगा और उसमें जो है काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। एक और यहाँ पे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 ऐसा रहे, तब इसमें क्या देखेंगे आप, बस तीन ही केवल फार्मूला याद रखें। एक फार्मूला ऐसा भी होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। हम देखेंगे इधर स्क्वायर है क्या, लास्ट में स्क्वायर है, तो हम कहेंगे जी 1 तो सभी का स्क्वायर होता है, मतलब इस पे पावर में कुछ हो जाएगा ये सब जो है 1 हो जाता है। इसका मतलब ये वाला फार्मूला जैसन जो है ये दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसा करके हम इसको देखते हैं इस फार्मूला जैसा। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो 2, ए है तो इसको अभी छोड़ दीजिए आपने, तो प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर। अभी 2ab यहाँ खोजता है तो 2ab के रूप में लिखना चाहते हैं अगर इसको, तो हम ऐसा लिखेंगे 2 ए, तो ए का मतलब एक्स, बी तो बी का मतलब 1, ऐसा लिख दिए। और इसको गुणा करके देखेंगे क्या ई वाला आ रहा है, तो आप देखेंगे 2 का 2 एक्स में गुणा करेंगे 2x आ जा रहा है। तो कहेंगे वाह यह ई वाला पे तो एकदम सेट कर गया, और जब सेट कर गया तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको भी हम कहेंगे कि इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। ए यहाँ पर ही था लेकिन यहाँ एक्स था, यहाँ बी था, यहाँ पे 1 था, फार्मूला क्या हुआ ए माइनस बी। तो यहाँ भी ए के जगह एक्स होगा, बी के जगह 1 होगा, यानी लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 और स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये एक के चीज बार दो बारी लिखा ले, इसका मतलब हुआ इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 और यही वाला इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर इससे जो है जो भी क्वेश्चन आए इस पे आधारित आप बना लेंगे। फिर से हम अगले क्लास में इस पे और भी चर्चा करेंगे जब मैथ लेंगे उस तब, और बाकी अभी इतना ही। और चौथा जो विधि है उसका जो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छे तरह से, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो है वो वाला कमज़ोर रहता है ना। तो अभी के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।